इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से कई गरीब परिवार आधा या खाली पेट सोने पर मजबूर है। हालांकि बहुत से लोगों को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे गरीबों का दर्द देखा नहीं जाता। हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने गरीबों को मुफ्त भोजन कराने की पहल की थी। आज उनकी पहल एक संस्था बन चुकी है जो हर रोज 1500 लोगों का पेट भरने का काम कर रही है। हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है लावजी भाई, जो गुजरात के जामनगर की बिजनेस फैमिली से थे। हालांकि लावजी भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा की गई पहल एक बड़े आकार के साथ आज भी जिंदा है। 2011 में लावजी भाई के निधन के बाद इस काम की जिम्मेदारी उनके भांजे चंद्रेश भाई ने अपने कंधों पर ले ली थी। कहते हैं ना, हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। दरअसल 80s में लावजी भाई ने कभी सरकारी अस्पतालों के पास मरीजों के परिवार वालों को जरूरी सुविधाओं, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी तरसते देखा था। इनमें मजदूर से लेकर गांव से आने वाले गरीब लोग थे जिनके लिए बाहर से खाना खरीद कर खाना बहुत महंगा पड़ता था। लावजी भाई ये सब देख बहुत दुखी हुए और इसके बाद उन्होंने गरीबों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर दी। इस काम में उनकी पत्नी लक्ष्मी पटेल उनका साथ देती थी। वो टिफिन बनाती और लावजी भाई गरीबों को खाना बांट कर आते। लावजी भाई की समाज सेवा देखते हुए अस्पताल ने उन्हें परिसर में ही एक किचन दिया और कमरा बनाने की जगह भी दे दी थी। लेकिन 1994 में जब अस्पताल का रेनोवेशन हुआ तो लावजी भाई को वो जगह छोड़नी पड़ी। उन्होंने फिर 25 लाख खर्च करके अपने ट्रस्ट के लिए नेहरू मार्ग पर जगह का निर्माण किया और गरीबों को मुफ्त खाने खिलाने का काम शुरू किया। उनकी ये संस्था गंगाराम ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है। इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने कोरोना काल में रोजाना 8000 लोगों को खाना खिलाने का काम किया था। अब यहां अस्पताल आने वाले गरीबों के अलावा सड़क पर रहने वाले बुजुर्गों को भी खाना दिया जाता है। चंद्रेश भाई के अनुसार ट्रस्ट द्वारा भोजन खिलाने का खर्चा हर महीने 25,000 से ज्यादा पहुंच जाता है। वहीं इस काम में शहर के लोग भी डोनेशन के जरिए अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ये ट्रस्ट भोजन के अलावा गरीबों को कपड़े और कंबल तक बांटने का काम करता है। लावजी भाई ने एक बहुत ही नेक काम की शुरुआत की थी जो उनके भांजे चंद्रेश द्वारा आज भी चलाया जा रहा है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान हेराल्ड।